दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं हुंडा SP125 का धनतेरस दिवाली माँ धमाका ऑफर वीडियो। और धनतेरस दिवाली माँ धमाका ऑफर में अभी हुंडा SP125 पर दोस्तों 5000 तक का कैश डिस्काउंट और मिनिमम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस यानी 15000 डाउन पेमेंट करके इस बाइक को आप फाइनेंस करा सकते हैं। शोरूम का एड्रेस है दोस्तों वंस हुंडा ऑटोमोबाइल्स गोड्डा झारखंड। यदि आप गोड्डा जिला से बिलोंग कर रहे हैं तो आप शोरूम में आके ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शोरूम का एड्रेस है वंस हुंडा ऑटोमोबाइल्स देवघर रोड गोड्डा झारखंड। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस बाइक को फाइनेंस कराते हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट 15000 आप डाउन पेमेंट करके इस बाइक को फाइनेंस करा सकते हैं। इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो इंटरेस्ट लगेगा फ्रेंड्स 10% से लेकर 12% तक का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो दोस्तों कोई खास इंटरेस्ट नहीं है डाउन पेमेंट के हिसाब से। और प्रोसेसिंग चार्ज की अगर बात की जाए तो दोस्तों प्रोसेसिंग चार्ज 2000 से लेकर 3000 तक यहाँ पर हुंडा SP125 के फाइनेंस पर प्रोसेसिंग चार्ज का डिमांड है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं धनतेरस दिवाली से पहले से दोस्तों काफ़ी अच्छा छूट है। तो आप शोरूम का ये इस बाइक का दोस्तों आप लाभ उठाएं और शोरूम में ये जो ऑफर दे रही है हुंडा कंपनी तो इसका भी दोस्तों लाभ उठाएं। और आपके एरिया में दोस्तों धनतेरस दिवाली माँ धमाका ऑफर ने हुंडा कंपनी हुंडा SP125 पर कुछ ऑफर दे रही है या नहीं दे रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब इसके प्राइस के बारे में जान लेते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है 1,07,000 के अप्रोक्स में। और एक चीज़ मैं दोस्तों क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड शोरूम प्राइस में दोस्तों आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कंफर्म ये नहीं कहूँगा कि इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस इतना ही है। दोस्तों मैंने ये अपने एरिया का प्राइस बताया है और आपके एरिया में क्या इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है यदि आपको मालूम है तो दोस्तों इस पर भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी मालूम चले कि ऑन रोड शोरूम प्राइस में क्या क्या डिफरेंस है। आपको यदि मालूम है तो, यदि मालूम आपको नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हुंडा SP125 के फाइनेंस के माइलेज के बारे में। तो हुंडा SP125 का जो माइलेज है फ्रेंड्स वो 70+ का आपको माइलेज मिलेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों हुंडा SP125 का जो सेल फिगर है काफ़ी अच्छा है क्योंकि 2020 में ये बाइक लॉन्च हुई थी और अब तक में दोस्तों काफ़ी अच्छा सेल है। और इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 125cc में कहीं ना कहीं अपने आप पर ये बाइक किंग कही जाने वाली बाइक है। और इसका जो LED का जो सेटअप है वो भी आपको फुल्ली LED क्योंकि 125cc के सेगमेंट में TVS राइडर से पहले ग्लैमर एक्सटेक से पहले दोस्तों ये फीचर्स सबसे पहले हुंडा SP125 में ये फीचर्स था। उसके बाद दोस्तों हीरो ग्लैमर फिर लॉन्च हुआ, फिर दोस्तों TVS राइडर लॉन्च हुआ, उसके बाद उसमें आपको LED का फीचर्स और मीटर कंसोल आपको डिजिटल मिलता है। और माइलेज की अगर बात की जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा माइलेज वाली बाइक है। और कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई इसका जो टायर था फ्रंट और रियर का वो सेम है। हाँ जी हाँ दोस्तों सेम है, जिसके कारण आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है, मैंने टॉपिक इस वीडियो में दो टॉपिक कवर किया है। एक दोस्तों धनतेरस दिवाली का अपडेट मैंने दिया है और दूसरा दोस्तों मोटा मोटा इसका मैंने फीचर बताया है, ऑन रोड शोरूम प्राइस बताया है। और दोस्तों आपको किस बाइक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और जी हाँ दोस्तों इंस्टाग्राम में हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, आप हमें इससे बात कर सकते हैं। और बाइक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर लें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।